हेलो दोस्तों, मैं राज आर्यन आपका स्वागत करता हूं आपके अपने यूट्यूब चैनल फिजिक्स जम पर। और आज से हम लोग क्लास 11th का लेक्चर सीरीज स्टार्ट करने वाले हैं। और इस वीडियो में हम लोग बेसिकली यूनिट एंड डायमेंशन के ऊपर डिस्कस करेंगे। ज़्यादा बातें नहीं करेंगे आज, है ना, छोटी वीडियो होंगी, थोड़े थोड़े चीज़ों को स्टडी करेंगे। और बहुत सारा चीज़ हम लोग ऑलरेडी पढ़े हुए हैं क्लास 9th में भी, ठीक है। और इसके पहले एनसीईआरटी में एक चैप्टर है फिजिकल वर्ल्ड करके, तो उसको आप लोग थोड़ा स्टडी कर लीजिएगा अपने से, ठीक है। उस पर ही बात हो सकती है, उससे क्वेश्चंस वगैरह आते हैं नहीं, ठीक है। तो हम लोग बेसिकली आज स्टार्ट करने वाले हैं यूनिट एंड मेजरमेंट। बहुत खूबसूरत सा चैप्टर है और ये इसमें बहुत बड़ी एक छोटी सी चीज़ है बेसिकली, है ना, उसका नाम है डायमेंशन। हम लोग को डायमेंशन निकालने के लिए आना चाहिए और एरर वगैरह पता करने भी आना चाहिए। आजकल जेई वगैरह में बहुत ज्यादा एरर वगैरह के ऊपर क्वेश्चंस आते हैं, है ना। सबसे पहले थोड़ा सा बात कर लेते हैं कि फिजिक्स हम लोग जो पढ़ रहे हैं, है ना, ये फिजिक्स है क्या। एकदम सिंपल वर्ड में समझो कि जो हमारा पूरा नेचर है, नेचर जो बनाता है यूनिवर्स, है ना, यूनिवर्स नेचर, हाँ सब यूनिवर्स जो है, यूनिवर्स या मल्टीवर्स, बहुत सारे सवाल है ना, क्या है ये दुनिया, है ना, हम वो बहुत सारा आता है ना, बहुत सारे ऐसे ऐसी दिमाग में आते रहते हैं। या फिर ऐसा न्यूज आता है बिग बैंग हो गया, ब्लैक होल है, स्टार है, हम बहुत क्यूरियस होते हैं ना इन चीज़ों को जानने के लिए, ये चीज़ें कैसे काम करती है, हम कैसे हैं, हमारे पास ऐसे चीज़ें कैसे हैं, दुनिया में बहुत सारी चीज़ें, पंखा क्यों घूमता है, जो हमारे चारों तरफ चीजें हो रही है, बहुत बड़ी बड़ी चीजों के बारे में बात कर रहे थे, छोटी छोटी चीजों के ऊपर भी बात करते हैं। नदी का पानी इधर से इधर ही क्यों फ्लो करता है, करंट क्या होता है, करंट क्यों फ्लो करता है, चार्ज जो हम लोग अभी अभी क्लास 10th में से पास किए हो तो थोड़ा चार्ज वगैरह के बारे में जानते हो, मैग्नेट के बारे में बहुत ज्यादा स्टडी किए हो, सोलेनोइड वगैरह के बारे में। तो ये सारी चीजें क्यों काम करती है, कैसे काम करती है, ठीक है, हम इनको समझना चाहते हैं, ये किस किस तरीके से काम करते हैं, कैसे काम करते हैं, हम इन सारी चीजों की स्टडी को ही बोलते हैं फिजिक्स। फिजिक्स क्या हो गया, एकदम सिंपल वर्ड, फिजिक्स जो है ये फिजिक्स, ठीक है। ये क्या है, इसका बेसिकली मतलब ही होता है नेचर, है ना, इसका मतलब ही होता है नेचर, नॉलेज ऑफ नेचर, ठीक है, यानी कि हम स्टडी कर रहे हैं नेचर का। फिजिक्स इज द स्टडी ऑफ नेचर, एकदम सिंपल वर्ड है, नेचर की स्टडी की जा रही है यहां पर। नेचर में जितनी भी चीजें हो रही है, क्या हो रहा है, सपोज करो कि मतलब मैंने देखा कि सूरज है, ईस्ट से निकल रहा है, वेस्ट में जाकर के डूब जाता है, हाँ? एक हम लोग फ्रेज वगैरह भी पढ़ते हैं बचपन में, सनराइज इन द ईस्ट एंड सेट्स इन द वेस्ट, पढ़ते हैं ना। तो ये राइज शुरुआत में निकला था, राइज मतलब वहां से उगता है, वहां जाकर डूब जाता है, डूब मतलब खत्म हो जाता है, क्या ऐसा होता है क्या। हम जो ऑब्जर्व करते हैं उसके हिसाब से बचपन में वो सारी लाइन अच्छी लगती है, बट ऐसा नहीं होता। बाद में तो हम लोग ये ना सीखें कि सूरज जो है वही है, अर्थ रोटेट कर रहा है, अर्थ रिवॉल्व कर रहे, सॉरी अर्थ रिवॉल्व कर रहे, सन के चारों तरफ, इवन मून भी अर्थ का चक्कर लगा रहा है, अर्थ खुद अपने ही एक्सिस पर घूम रहा है। ये सारी बातें हमें बाद में पता चली, लेकिन हमने ऑब्जर्व भी किया, और हम उन ऑब्जर्वेशंस को जब स्टडी करना स्टार्ट किए तो हमें और भी ज्यादा अच्छी अच्छी चीजों के बारे में जानकारी मिला, जिसको कि हम लोग फिजिक्स में पढ़ते हैं। ये एक छोटा सेट था, लेकिन फिजिक्स बहुत बड़ा, समझ लो कि पूरे यूनिवर्स को ही हम पढ़ रहे हैं, है ना, फिजिक्स सब कुछ है ना, फिजिक्स पूरा साइंस है कह सकते हो, अगर एक तरह से माना जाए तो पूरी साइंस है इसका। अगर मान लो कि फिजिक्स किंग है तो इसका एक बहुत अच्छा सा ब्रांच है बगल में, उसका नाम है मैथमेटिक्स। बहुत कुछ लोगों को हेट होता होगा, कुछ लोगों को बहुत पसंद आता है मैथमेटिक्स के फॉर्मूले, नंबर्स से बहुत ज्यादा पसंद होते हैं, लेकिन फिजिक्स बहुत खूबसूरत सा चीज है, ये तो मानना पड़ेगा। और जो मैथमेटिक्स है वो क्वीन है फिजिक्स के लिए, ठीक है, दोनों में झगड़े भी होते रहते हैं, है ना, हमारा उनसे कोई लेना देना है नहीं। ज्यादा जानना है थोड़ा फिजिकल वर्ल्ड वगैरह को पढ़ लो, ठीक है, हम होगा तो एक वीडियो बना देंगे इसके ऊपर, पूरी की पूरी फिजिक्स को समझने का कोशिश करेंगे,
पूरे नेचर को समझने की कोशिश करेंगे उन एक वीडियोस में, है ना। चलो ठीक है, आज हमारा क्या मतलब है, आज हम लोग पढ़ने वाले यूनिट एंड डायमेंशन के ऊपर। यूनिट एंड डायमेंशन किस चीज के लिए है? तो चलो हम बात यहीं स्टार्ट करते हैं कि फिजिक्स को जब समझने बैठे, नेचर को जब समझने बैठे, तो समझने बैठने के लिए हमें कुछ कुछ चीजों को हमने ऑब्जर्व किया। बेसिकली हमने स्टार्ट ही ऑब्जर्वेशन से किया, हम ऑब्जर्व किए। जब हम ऑब्जर्व किए तो हमें कुछ कुछ चीजों को लगा कि भाई ये कुछ क्वांटिटीज के ऊपर बात होनी चाहिए। क्या क्वांटिटीज के ऊपर बात होनी चाहिए? तो देखो, यहां पर हमारे पास अर्थ में एक सेटेलाइट है, कोई दूसरा प्लैनेट है उसके पास 16 सेटेलाइट हैं, किसी के पास 62 सेटेलाइट्स है, यानी कि नंबर्स आ रहे हैं, क्वांटिटीज आ रहे हैं, सेटेलाइट्स हमने काउंट किया। एक और चीज हमने देखा, कहीं पर हम देखे कि एक चीज है, ये अर्थ पे गिर रहा है, तो हमने देखा कि गिरता है कोई चीज, हमने देखना स्टार्ट किया ना, गिरता है कोई चीज नीचे, क्यों गिरता है ये सवाल तो बाद में आएगा, पहले हमने देखा गिरता है। फिर हमने ये देखा, यहां से गिरता है तो चोट लगता है, यहां से गिरता है तो और ज्यादा जोर से चोट लगता है। तो हमने क्या देखा, एक चीज है जो यहां पर हमें चोट इंपैक्ट लगा रहा है ना, चोट इंपल्स है ना, इंपल्स इसके ऊपर फोर्स लगा रहा है, हम ये कह सकते हैं फोर्स लगा रहा है, फोर्स वर्ड आ रहा है। तो ऐसे बहुत सारी चीजों के ऊपर हमने स्टडी किया, जिनका कि हमने नाम दिया क्वांटिटीज। क्या नाम दिया? क्वांटिटीज। तो क्वांटिटीज क्या हुआ, जिनको कि हम करते, जिनको हम बेसिक क्वांटिटीज, बेसिकली समझ लो कि हम दुनिया में दो ही चीज शुरुआत में मानते थे लोग, मैटर और रेडिएशन, है ना। छोड़ो, क्या हम बार बार उधर ही चले जाते हैं ना फिजिकल वर्ल्ड की तरफ, लेकिन हम सिंपल सा बात करेंगे, वो सारा चीज उधर ही है, लेकिन अभी हम इतना ही कहना चाहते हैं कि क्वांटिटीज एक चीज है जिसके कारण हम बात कर सकते हैं पूरे के पूरे फिजिक्स के ऊपर। हमें डिस्क्राइब करना पड़ेगा कि बहुत सारे क्वांटिटीज की जरूरत पड़ती है हमें यहाँ पर, जिनको कि हम मेजर कर सकते हैं और जो कि फिजिकल लॉज को फॉलो करें। अभी फिजिकल लॉज क्या है, ये फिजिक्स में बहुत सारे लॉज आते हैं ना, है ना, ओम्स लॉ या फिर न्यूटन का लॉ पढ़ते हैं ना, ये सारा चीज, ये लॉज क्या है? बस कुछ नहीं, तो सिंपल समझ लो कि न्यू नेचर में होता है, किसी बंदे ने देखा, उसने दूसरे को समझा दिया कि देखो ये हो रहा है, यही लॉ है। न्यूटन ने देखा कि देखो हर एक बॉडी नीचे गिर रहा है, क्यों गिर रहा है, तो उसके लिए एक लॉ दे के रखा कि अर्थ खींच रहा है इसको, है ना। अर्थ के पास एक चीज है जिसका नाम है सेंट्रीपिटल फोर्स, सॉरी ग्रेविटेशनल फोर्स, हाँ सेंट्रीपिटल टाइप का ही वो ग्रेविटेशनल फोर्स है। अभी सेंट्रीपिटल कहां से आ गया, ये भी आगे जाके स्टडी कर लेंगे हम लोग, पूरा का पूरा फिजिक्स से बात करेंगे। खैर, तो ग्रेविटेशन जो फोर्स है, ये बात, ग्रेविटेशन का जो लॉ है, न्यूटन ने देखा, बता दिया, फिर बाद में उसने कहा कि ये पूरे यूनिवर्स में लागू हो सकता है, पूरे यूनिवर्स में चालू है, लगेगा हर एक बॉडी के ऊपर, और उसके लिए उसने कैपिटल जी का वैल्यू डिस्क्राइब कर दिया। लेकिन बाद में उसमें एक चीज आया, करेक्शन। जितनी भी लॉज आई वो सिंपल बात है कि एक ऑब्जर्वेशन, और उस ऑब्जर्वेशन का एक प्रूफ दिया उसने कि देखो ये लॉ से बहुत सारी चीजों को डिस्क्राइब हम कर सकते। लेकिन समय के साथ जब और भी ज्यादा लोग स्टडी करने लगे, ऑब्जर्व करने लगे, क्यूरियस होने लगे, ज्यादा क्रिटिकल एनालाइज करने लगे एक एक चीज को, तो हमें बाद में भी पता चला कि ये जी यूनिवर्सल नहीं है, ये भी डिपेंड कर जाती है बहुत सारे फैक्टर्स के ऊपर। फिर बाद में एक और आदमी आ जाता है, उसका नाम है आइंस्टाइन। उन्होंने कहा ग्रेविटेशन फील्ड जो है वो बेसिकली ऐसा कुछ नहीं, ग्रेविटेशन वेव होता है, अजीब सा चीज है ना। 2017 का जो नोबेल प्राइज मिला है वो भी थोड़ा सर्च कर लेना गूगल वगैरह पे, वो ग्रेविटेशनल वेव की डिस्कवरी के लिए मिला था। न्यूटन ने आइंस्टाइन ने 1917 में ही आइंस्टाइन ने ये बात प्रिडिक्ट किया था कि ग्रेविटेशनल वेव होता है, उसको डिटेक्ट किया गया था 2014 के आसपास में, जिसके ऊपर नोबेल प्राइज 2017 में मिलता है। गूगल कर लेना यार, है ना, बहुत बड़ा इशू थोड़ी ना है, ठीक है। तो ये सब जाननी चाहिए, ठीक है। तो हमने क्या देखा कि हमें बहुत सारा चीज जानना चाहिए, जानने का मन है कि ऐसा क्वांटिटी को हम डिफाइन करना चाहते हैं जिसको हम मेजर कर सकते हैं और जो कि फिजिक्स के लॉ को फॉलो करे, उसको हम कहेंगे फिजिकल क्वांटिटीज। तो फिजिकल
क्वांटिटीज, है ना, ये क्या हो गया, जिसको हम मेजर कर सकते हैं, है ना, विथ इंस्ट्रूमेंट, हम इंस्ट्रूमेंट से इसको मेजर कर सकते हैं। सेकेंड नंबर में क्या करेगा, फॉलो करेगा फिजिकल लॉज को या फिजिक्स के लॉज को ये फॉलो करता है। समझ में आ गया बात, जो फिजिक्स के लॉ को फॉलो करता है और इसको हम मेजर कर सकते हैं, है ना, कुछ इंस्ट्रूमेंट के हिसाब से। अब क्वांटिटीज क्या क्या हो सकता है, जैसे कि लेंथ, लेंथ को मेजर कर सकते हैं, टाइम मेजर कर सकते हैं, फिर गुस्सा, एंगर, काइंडनेस मेजर कर सकते क्या, नहीं, ऐसी चीजों को नहीं मेजर कर सकते, तो वो फिजिकल क्वांटिटीज नहीं है। क्वांटिटीज है, हम बोलते हैं वो बहुत अच्छा है, वो बहुत खराब है, ना, ऐसी बातें हम करते हैं, लेकिन कोई कितना अच्छा है, कोई कितना खराब है, ये हम पता नहीं कर सकते, है ना, नहीं कर सकते। वो मेरी माँ मुझसे बहुत प्यार करती है, तो हम भी कहते हैं मेरी माँ मुझसे बहुत प्यार करती है, तो फिर हम दोनों झगड़ा करेंगे कि नहीं, मेरी माँ 100 प्यार करती है, इतना 100 का कुछ स्केल वगैरह था ना, थर्मामीटर था ना, कि मेरी मम्मी मेरे से 98 point something प्यार करती है, तुम्हारी मम्मी 98.3 ही प्यार करती है, किसी की मम्मी 94 ही प्यार करती है, सब कहीं स्केल थोड़ी ना है। हर किसी के लिए ये जो ये सारे जो एब्स्ट्रैक्ट है, ये हम डिफाइन नहीं कर, मतलब मेजर नहीं कर सकते, इसलिए हम उनको क्वांटिटीज नहीं कहेंगे। तो क्वांटिटीज किसको कहेंगे, जिनको हम मेजर कर सकते, जैसे लेंथ हो गया, टाइम हो गया, सेकेंड हो गया, फोर्स हो गया, है ना, और मोमेंटम हो गया, जो हम लोग छोटा जी पढ़े हैं, करेंट हम लोग पढ़े हैं अभी तुरंत टेंथ में, मैग्नेटिक फील्ड पढ़ लिए हैं, है ना, अभी वाह बहुत अच्छा नहीं पढ़े थे मैग्नेटिक फील्ड, बी फील्ड पढ़े थे ना, बहुत सारे लोग तो पढ़े होंगे बी फील्ड, मैग्नेटिक फील्ड, और फोर्स पढ़े थे, टॉर्क पढ़े होंगे थोड़े से कुछ लोगों ने, रिफ्रैक्टिव इंडेक्स पढ़े होंगे जी टेंथ में, है ना, वो लाइट चैप्टर में, फोकल लेंथ पढ़े होंगे, तो बहुत सारी चीजों को हम लोग स्टडी किए थे और उन सबको हम मेजर कर सकते हैं, तो हम उसको कहेंगे फिजिकल क्वांटिटी, जिनको हम मेजर कर सकते हैं, और मतलब मेजर करने के लिए इंस्ट्रूमेंट भी चाहिए हमको, और वो फॉलो भी करते हैं कुछ लॉज को, याद है ना, बहुत सारे लॉज पढ़े हैं जिनके हिसाब से हम बात कर रहे थे, ठीक है यहां तक। तो ये फिजिकल क्वांटिटीज हो गया, तो फिजिकल क्वांटिटीज को हम लोग लिखते कैसे हैं, फिजिकल क्वांटिटीज को हम लोग लिखते कैसे हैं, तो कोई भी फिजिकल क्वांटिटी को हम लोग कुछ इस तरह से लिख सकते हैं, एन इंटू यू। अब ये क्या है सर, इतना सिंपल सा चीज है ना, ये बस खाली सुनते जाओ, मजे लोग और कुछ नहीं, है ना। तो एन क्या है यहां पर, और ये यू, ये बता रहे कि नंबर ऑफ वैल्यूज ऑफ यूनिट, ये यू है, यू फॉर यूनिट, और ये हो गया नंबर ऑफ वैल्यूज ऑफ यूनिट, है ना, या नंबर ऑफ टाइम्स ऑफ, है ना, नंबर ऑफ टाइम्स ऑफ यूनिट, ऐसे कर सकते हैं, टाइम्स ऑफ यूनिट, ये यूनिट है, यूनिट फॉर कंपेरिजन, ये कंपेरिजन के लिए हम बात कर रहे हैं। ये क्या है कंपेरिजन, एकदम सिंपल सा चीज समझ लो, मार्केट गए, ठीक है, और एक काला ऐसा कुछ होता है ना, बट खराब है ना, उसे मार्केट में गए और आलू लेने के लिए गए, उसके पास बोले कि उसको आलू दे दो, है ना, तुमसे पूछे कितना आलू चाहिए, तो ये समझ में नहीं आएगा तुमको, तो तुम घर से पूछ करके आते हो कि मम्मी वो दुकान वाला, मतलब बचपन की बातें कर रहे हैं, तो वो बोलते हैं कितना आलू चाहिए, तो वो तुम्हारी मम्मी क्या बोलेगी, 4 liter आलू चाहिए, ऐसा तो नहीं बोलेगी ना, बोलेगी 2 kg आलू चाहिए, ये 2 kg, देखो 2 और kg बोलती है ना, तो वही है 2 और kg, ठीक है, अगर हम बोल रहे 2 और kg, यही चीज हम बोल रहे हैं, ठीक है, ये हो गया हमारा फिजिकल क्वांटिटी को हम ऐसे दिखाते हैं, फिजिकल क्वांटिटी के नंबर को हम ऐसे दिखाते हैं। इसमें क्या कमाल का चीज है, और गए हम दुकान में, उसको ऑब्जर्व करना, जब दुकान में गए तो हम बोले उसको 2 kg आलू दो, तो उसने कुछ इस तरह का तराजू सेट किया, है ना, ऐसा यहां पर इसमें एक कुछ इस तरह का बटखरा लगा दिया लोहा, उसने बोला ये 1 kg है, उसने बोला 1 kg का यही है, और इसके बराबर यहां पर उसने आलू बराबर किया स्केल से, बोला ये भी 1 kg है, ठीक है,
तो उस दुकानदार के हिसाब से ये 1 किलो है। अरे सुन, फिर उसने क्या किया, तुमको 2 केजी चाहिए था, उसने इसको उठा करके इसमें रख दिया। अब इसमें इधर फिर से आलू रखा, इधर कितने आलू हो गए, 1 किलो आलू और 1 बटखरा, टोटल 2 केजी हुए। तो यहां पर भी 2 केजी आ गए। तो हम यहां बोल रहे हैं, यहां जो आलू है वो इसके 2 गुने के बराबर है। तो वही हम कह रहे हैं कि 2 जो है ये केजी एक रेफरेंस है, इससे 2 गुना है। अब ये केजी क्या रेफरेंस है, वो ये है ना, यानी कि ये बेसिकली, या फिर दुकानदार अगर इसके पास 2 को रहेगा या फिर 2 केजी का बटखरा रहेगा, दोनों डाल देगा। तभी एक तीसरा दुकानदार के पास है, उसने पत्थर का बना के रखा है। तो हम बोलेंगे कि ये उसके पास तो ये काला वाला था, आपके पास पत्थर का क्यों है, पत्थर जो है ना स्टोन का उसने बना के रखा। तो वो बोलेगा हाँ ये भी बराबर ही है, और मान लो बराबर है भी, तो उस दुकानदार के लिए रेफरेंस का नाम वो पत्थर हो गया और इस दुकानदार के लिए ये आयरन हो गया। इस सेब का इतना ही वजन का आयरन जो है वो हमारा रेफरेंस, इसको हम किलोग्राम बोल रहे हैं, दूसरे के लिए वो अलग है, जबकि वो हो सकता है कि घपला कर रहा हो, है ना, समझ में आ रही बात है। तो बेसिकली यहां पर यही है कि अगर हम कह रहे हैं कि कोई फिजिकल क्वांटिटी को हम इस तरह से दिखा सकते हैं, 2 केजी के हिसाब से, 5 केजी के हिसाब से, 5 मीटर अगर लिख दिए, 10 मीटर कपड़ा चाहिए, है ना, तो हम ऐसे करके लिखते हैं ना, नंबर और उसकी यूनिट, है ना। तो ये हो गया हमारा कोई भी फिजिकल क्वांटिटी, ठीक है। स्क्रीन पर भी आ रहा होगा डेफिनेशन, उसको नोट कर लेना है, कॉपी कर लो पहले इसको, आगे बढ़ते हैं ना। तो अभी हम लोग देखने वाले हैं फिजिकल क्वांटिटी, देख चुके हैं ना, यूनिट के बारे में बात करते हैं। वो जो पीछे लिखे थे केजी वगैरह, है ना, वो क्या था, ये यूनिट क्या है, बहुत छोटा छोटा चीज है, मतलब बहुत तगड़ा वगैरह सब चीज नहीं है, लेकिन बहुत मजेदार चीज है समझने में आने के लिए, थोड़ा सा बस कंसंट्रेट करो। यूनिट क्या है कि हम अभी बात किए कि एक आयरन का कुछ ऐसा बना हुआ है ना, दुकान में गए और उसने कहा कि यही है 1 किलो का बटखरा, है ना, यही है 1 किलो। तो ये हम बना दिए एक रेफरेंस, जिसको हम कहेंगे स्टैंडर्ड। क्या बोलेंगे इसका नाम, स्टैंडर्ड। लेकिन क्या ये स्टैंडर्ड है, क्या यही 1 किलो है, नहीं, ये 1 किलो नहीं है। एक स्टैंडर्ड बनाया गया है किलो के लिए, खास करके अगर हम कहेंगे किलो क्या है, तो उसके लिए एक स्टैंडर्ड बनाया गया, वो प्लेटिनम इरिडियम का एक, ठीक है, ऐसा लोहा का कुछ बना हुआ है, ऐसा इस शेप का, ठीक है, सिलेंडर ऐसा, ठीक है, प्लेटिनम इरिडियम एलॉय का बना हुआ है, और वो लंदन में म्यूजियम में रखा हुआ है, ठीक है। तो ये जो रखा हुआ, ये प्लेटिनम इरिडियम का जो अलॉय है, प्लेटिनम और इरिडियम के अलॉय का एक सैंपल रखा गया, एक प्रोटोटाइप रखा गया, इसको प्रोटोटाइप भी बोलते हैं। ये इसका जो वजन है वो 1 किलो है, तो इसको उठा करके म्यूजियम में रख दिया गया है, ठीक है, पूरे अच्छे से पैक करके, 8 या 9 प्रोटोटाइप हैं पूरी दुनिया में, डिफरेंट डिफरेंट कंट्रीज में रखा गया, मेन प्रोटोटाइप लंदन में रखा गया है, ठीक है, जो ओरिजिनल वाला है, और उसी के कंपेरिजन वाले 6-7 देश में रखे गए पूरी दुनिया में, और वो इंटरनेशनली एक्सेप्टेड है, यानी कि पूरी दुनिया में एक्सेप्टेड है, यानी कि मतलब हमारे, हम मान लीजिए हम इतना सा लोहा कहेंगे 1 किलो, अमेरिका वाला कहेगा इतना बड़ा लोहा हम 1 किलो कहेंगे, वो ब्रिटेन वाला कहेगा हम इतना बड़ा लोहा कहेंगे, चाइना वाला बोलेगा हम इतनी सा का देंगे। तो हम ये देख रहे हैं कि जो भी सामान है हमारे पास उसका क्या प्रोटोटाइप है, ठीक है, उसका क्या प्रोटोटाइप है। तो एग्जाम्पल है, हम इससे ये चीज चेक करेंगे कि इससे ये कितना गुना बड़ा है, कितना गुना छोटा है, जिसको हम कहेंगे यूनिट, ठीक है, यानी कि वजन को नापने के लिए, मास को नापने के लिए हमने जिस सैंपल को इंटरनेशनली एक्सेप्ट करवाया है वो है हमारा यूनिट, आगे समझ में, और उस यूनिट को हमने कहा किलोग्राम। सिमिलरली प्लेटिनम इरिडियम का एक रॉड है, ठीक है, एक इतना बड़ा लेंथ का, हमने उसको कह दिया शुरुआत में कि ये हमारा 1 मीटर का लेंथ है, बाद में हमने उसको भी बदला। अब ये सारे सवाल ये हैं कि वो बदलते क्यों हैं,
प्रोटोटाइप क्यों बदलते हैं उस पर भी डिस्कस करेंगे आगे जा करके, लेकिन अभी हम यही कहना चाहते हैं कि जो भी लेंथ है, जो भी चीज है, हमने उसके लिए एक बेस सैंपल तैयार करके रखा है और वो इंटरनेशनली एक्सेप्टेड है और हम उसको कहते हैं यूनिट। समझ में आ गया बात? कोई दिक्कत नहीं है ना? यूनिट के बाद हम बात करते हैं फिजिकल क्वांटिटी के टाइप्स के ऊपर। ये होता है एक फंडामेंटल फिजिकल क्वांटिटी, सेकेंड होता है हमारा डेराइव्ड फिजिकल क्वांटिटी, तीसरा हो जाता है हमारा सप्लीमेंट्री। ठीक है, सप्लीमेंट्री फिजिकल क्वांटिटी एकदम सिंपल सा डेफिनेशन है फंडामेंटल का, जो किसी दूसरे पर डिपेंड नहीं करे वो फंडामेंटल है, मूलभूत भौतिक पता नहीं राशि, हाँ है ना, राशियां इसको बोलते हैं। ठीक है, तो फंडामेंटल फिजिकल क्वांटिटीज मूलभूत भौतिक राशियां जो कि किसी के ऊपर डिपेंड नहीं करे, दुनिया में किसी के ऊपर डिपेंड नहीं करता है, ये अपने आप पे ही या इसके हिसाब से ही पूरी दुनिया की हर एक सारी चीजों को हमने समझा है, हम उसी के हिसाब से डिस्कशन करते हैं, उसको कहते हैं फंडामेंटल फिजिकल क्वांटिटी। डेराइव्ड फिजिकल क्वांटिटी वो है जो कि फंडामेंटल फिजिकल क्वांटिटी पर डिपेंड करती है। सप्लीमेंट्री दो होते हैं, उस पर आगे स्टडी कर लेंगे। समझ में आगे बात? यानी कि ये किसी के ऊपर डिपेंड नहीं करता है, ये टोटल सात हैं आज के डेट तक में, बहुत सारे हैं इसके ऊपर बात किया जाएगा, और ये दो हैं। ये कितने हैं आज? सात, ये हैं दो, ये हैं बहुत सारे। ठीक है, डेराइव्ड हम कुछ भी कैसे भी कर सकते हैं। समझ में आगे बात? अब हम बात करते हैं यूनिट सिस्टम, है ना, सिस्टम ऑफ यूनिट्स, सिस्टम ऑफ यूनिट्स के ऊपर। तो पहला सिस्टम था सीजीएस सिस्टम, सीजीएस सिस्टम जिसमें कि सी फोर होता है सेंटीमीटर, सेंटीमीटर, जी फोर होता है ग्राम और एस फोर होता है सेकेंड। ठीक है, एस फोर क्या हो जाता है? सेकेंड। यानी कि सबसे पहले जब दुनिया में आया था कि हम यूनिट वगैरह को डिफाइन करने लगे, तो हमने हमें उस समय तक पता थी तीन फिजिकल क्वांटिटीज। कितनी पता थी? फिजिकल क्वांटिटीज तीन, एक था लेंथ जो फंडामेंटल के बारे में बात कर रहे हैं, दूसरा था मास और तीसरा था टाइम। हमने इनको मेजर करने के लिए जो यूनिट डिस्क्राइब किया, हमने कहा लेंथ को हम नापेंगे सेंटीमीटर में, मास को नापेंगे ग्राम में और टाइम को मेजर करेंगे सेकेंड्स में। ये सबसे पहले हम लोगों ने मेजर किया। क्या हमने समझा? यानी कि सबसे पहले सिर्फ तीन ही फंडामेंटल फिजिकल क्वांटिटीज थे, लेंथ, मास और टाइम। बाद में जब ज्यादा स्टडी हुआ और दूसरे देश में, ठीक है, सीजीएस जहां पर भी हो रहा था हमको एग्जैक्ट नहीं पता, सेकेंड दूसरे किसी कंट्री में हो रहा था, एफपीएस सिस्टम की स्टडी हो रही थी। किसी हो रही थी? एफपीएस, एफ मतलब फुट, पी फॉर पाउंड, एस फॉर सेकेंड, फुट पाउंड और सेकेंड। फुट से हम लोग लेंथ समझ रहे ना, पाउंड से हम लोग मास, आज भी हम लोग वो केक नापते हैं ना कितना पाउंड है, ठीक, और टाइम को सेकेंड में नापते हैं। तो इस तरह से करके दो सिस्टम डिस्क्राइब हो गए दो अलग अलग कंट्रीज में। ये सपोज करो कि ये चल रहा था ब्रिटेन में, या सॉरी यूएस में, और ये चल रहा है फ्रांस में, फ्रांस और ब्रिटेन वगैरह में। अरे वो सुन, ये यूएस में मान लो यूएस में हो रहा था और ये फ्रांस में हो रहा है ना। अब फ्रांस का माल पहुंचा है ब्रिटेन में, सॉरी यूएस में, इंटरनेशनल ट्रेड हो रहा है उन दोनों का। अब ये पाउंड में वजन नाप करके बेचा है, यहां जाकर के मास को नापा जा रहा है ग्राम में, कितना दिक्कत होगा। तो दिक्कत बढ़ने लगा जब ग्लोबल ट्रेड बढ़ने लगे, तो लोगों को लगा कि कहीं ना कहीं एक स्टैंडर्डाइजेशन करना चाहिए, हर जगह यूनिफॉर्मली एक्सेप्टेड सिस्टम को लाना चाहिए। तो हमने इन दोनों को हटा करके एक नया सिस्टम को इंट्रोड्यूस किया, उसका नाम था एमकेएस सिस्टम। क्या नाम था? एमकेएस सिस्टम, जो थर्ड सिस्टम बन जाता है हमारा। तीसरा सिस्टम था हमारा एमकेएस सिस्टम। एम मतलब हो गया मीटर, के मतलब हो गया किलोग्राम,
और एस मतलब हो गया सेकंड। समझ में आई चुका? अभी भी लेंथ है, लेंथ को मेजर करेंगे मीटर से, ये हो गया मास और ये हो गया हमारा टाइम। और ये पूरे जो भी यूरोपियन कंट्रीज और यूएस थे उनमें एक्सेप्टेबली अच्छे से है ना, ईरान वगैरह तक ट्रेड हो रही थी उस टाइम पर जब ये बात हो रही है 1700 के आसपास, बहुत पहले की बात हो रही है। ठीक है, बाद में जब फिजिक्स में ज्यादा रिसर्च होने लगे तो हमें एक नया चीज पता चला, करंट। करंट एक ऐसा पता चला कि वो भी फंडामेंटल है, वो भी किसी पर डिपेंड नहीं करता है, जस्ट लाइक द मास, जस्ट लाइक द लेंथ, मास एंड टाइम। एक नया फंडामेंटल फिजिकल क्वांटिटी खोजा गया जो करंट था, और वो भी किसी के ऊपर डिपेंड नहीं करता है। तो हमने इस सिस्टम को ही बदल करके नया नाम दिया, फोर्थ नंबर, RMKSA सिस्टम। RMKSA सिस्टम मतलब हो गया रेशनलाइज्ड मीटर, किलोग्राम, सेकेंड और एम्पियर सिस्टम। यानी कि अब हमारे पास लेंथ भी है, मास भी है, दिख रहा है ना, टाइम भी दिख रहा है, और यहां पर करंट भी दिख रहा है। यानी कि हमारे पास फोर्थ फंडामेंटल पॉइंट फिजिकल क्वांटिटी ढूंढा जा चुका था, और इसलिए हम यहां पर रेशनलाइज्ड का वर्ड यूज किए कि हमने कहीं ना कहीं करेक्शन किया है पिछले वाले सिस्टम में। ओके, और जब एक बार टूटता है नया चीज तो फिर लोग क्यूरियस और हो गए, उन्होंने और सारे फिजिकल क्वांटिटीज ढूंढा। फिर बाद में पता चला टेम्परेचर भी उसी तरह के सिस्टम में आता है, और फिर बाद में पता चला कि जो सन का जो इंटेंसिटी है लाइट का, हम वो भी मेजर कर सकते हैं कैंडेला में। तो ये दो नए खोजे गए, तो कहीं ना कहीं इन सबको हटा कर बोला गया सब पूछ दो एक बार में। ठीक है, तो चलो हम भी पूछ देते हैं, है ना, और हमने पूछ दिया, है ना। तो नया सिस्टम लाया गया, उसको बोला गया सिस्टम ऑफ इंटरनेशनल यूनिट्स। क्या बोला गया? SI यूनिट्स। ठीक है, SI यूनिट्स। इसमें हमने बोला कि फंडामेंटल फिजिकल क्वांटिटी ये है और इनके यूनिट्स ये हैं, ठीक है, और इसके सिंबल्स ये हैं। ठीक है, तो फंडामेंटल फिजिकल क्वांटिटी कौन सा हो गया? एक सेकंड, ओके, हमको यहां से नहीं लिखना, चलो चलो पहला लिखते हैं, लेंथ, LENGTH, है ना जी, लेंथ। लेंथ को किसमें मेजर किया गया? मीटर में, है ना, और इसको हमने m से दिखाना स्टार्ट किया, स्मॉल m से। लेंथ के बाद मास के बारे में बात हुआ, मास भी अगला कोई फंडामेंटल, अभी तो लेंथ मास टाइम है ना तीन, और चौथा था करंट, चौथा क्या था? करंट। पांचवा निकल करके आ रहा था टेम्परेचर, और चौथ उसके बाद था ल्यूमिनस इंटेंसिटी, ल्यूमिनस इंटेंसिटी। ठीक है, चलो मास को हमने मेजर किया किलोग्राम में, टाइम को हमने मेजर किया सेकेंड्स में, करंट को हम लोग मेजर किए एम्पियर में, और टेम्परेचर को केल्विन में, और इसको मेजर किए कैंडेला में। ठीक है, कैंडेला में हमने इसको मेजर कर लिया, और इन सबका सिंबल को हमने कहा ये है हमारा किलोग्राम, ये है सेकेंड एस, स्मॉल एस से इसको ए, सॉरी, और है ना, इसको ए से डिनोट करते हैं एम्पियर को, इसको केल्विन को के से, और कैंडेला को सीटी से। कितने हो गए? 6। 1989 में, देखो ये डेट याद रखूंगा। ठीक है, एक नया फिजिकल क्वांटिटी और ढूंढा गया जिसका कि नाम रखा गया अमाउंट ऑफ सब्सटेंस, अमाउंट ऑफ सब्सटेंस। पता चला ये नया फिजिकल क्वांटिटी है जो कि फंडामेंटल है, ये भी किसी पर डिपेंड नहीं करता है, और इसके यूनिट को बोला गया मोल, और इसको हम स्मॉल MOL से डिनोट करते हैं। यानी कि सेवंथ फिजिकल क्वांटिटी हमने पता कर लिया। इसके बाद दो और थे सप्लीमेंट्री यूनिट्स, है ना, दो और थे सप्लीमेंट्री यूनिट्स। ये सप्लीमेंट्री बारे में बात कर रहे हैं अब यहां पर से, सप्लीमेंट्री,
छापर करने में ऐसे कर लो इसको, तब फिर हम बात कर लेते हैं, कॉपी करो इसको। तो अगला है हमारा सप्लीमेंट्री फिजिकल क्वांटिटी। यहां पर हमको पहला मिला प्लेन एंगल, क्या नाम था इसका, प्लेन एंगल, इसको हम लोग थीटा से नोट करते हैं, और इसका यूनिट क्या होता है, रेडियन, क्या होता है, रेडियन, ठीक है, और इसका सिंबल क्या होता है, आर ए डी। अब ये रेडियन क्या होता है, प्लेन एंगल क्या होता है, तो सपोज करो कि हमारे पास टू रेज हैं, है ना, दो रेज हैं, दोनों के बीच में इंक्लिनेशन जो आ रहा है, ये एंगल जो आ रहा है, ये हमारा थीटा है, ठीक है। तो दो रेज के बीच का जो इंक्लिनेशन है ये हमारा थीटा है, दो रे है कहीं ना कहीं किसी ओरिजिन से स्टार्ट हुआ है, और इनके बीच का इंक्लिनेशन है थीटा, और हम इसको मेजर करते हैं रेडियन में, ठीक है। तो यहां पर हम एक बात करते हैं कि पाई जो रेडियन होता है, बहुत पुराना एक सिस्टम था, डिग्री हम उसके हिसाब से बोलते हैं, 180 डिग्री, जो आज भी हम लोग स्टडी करते थे, अब से नहीं करना है, हम लोग अभी भी यानी बेसिकली हम लोग 11th में आ चुके हैं, तो हम लोग ज्यादा ज्यादा रेडियन के ऊपर बात करेंगे, पाई का मतलब 3.14 यूज करेंगे यहां पर, इज इट ओके। सेकेंड है हमारा सॉलिड एंगल, ठीक है, प्लेन एंगल के बारे में बहुत ज्यादा स्टडी होंगी मैथ में, ट्रिगोनोमेट्री चैप्टर में, ठीक है, तो वहां पर पढ़ लोगे, अभी बस छोटा सा बात याद रखो, दोनों एंगल है, दो रे के बीच में एंगल है हमारा थीटा। अगला हमारा सॉलिड एंगल, सॉलिड एंगल का यूनिट होता है स्टे रेडियन, है ना, क्या होता है, स्टे रेडियन, और इसको हम लोग एस आर से नोट करते हैं, ठीक है। अच्छा एक और चीज यहां पर लिख लेते हैं, थीटा जो होता है, ये मान लेते हैं एक आर्क बना रहा है, क्या देखो तो एल लेंथ का, इसका रेडियस है आर, तो हम थीटा का वैल्यू क्या होता है, एल अपॉन आर, थीटा का वैल्यू क्या होता है, आर्क लेंथ अपॉन रेडियस, इज इट ओके। तो थीटा इक्वल टू लिख लेना है बगल में, आर्क लेंथ अपॉन रेडियस, ये हो जाता है थीटा। इसके हिसाब से कह सकते हैं कि जो आर्क का लेंथ बनता है ये क्या लेगा, आर इंटू थीटा के इक्वल, ये छोटा सा बात याद रख लेना है। खैर सॉलिड एंगल क्या होता है, कौन खाए हो, कौन 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 खाए हो, क्या बात है, चलो ठीक है, तो कौन कौन देखते हैं, कौन 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 कौन, मेरे पास क्या बोलते हैं, हाँ यही है, चलो ठीक, अजीब सा चीज, देखो ध्यान से, है ना, ये दिख रहा है सबको, कौन है सर, ठीक है, तो ये है, ये जो लग रहा है अंदर में, दिख रहा है क्या यहां से, ये सॉलिड एंगल बन रहा है। अगर हम इसके इस एरिया को बढ़ा दें, तुमको लग रहा होगा यार ज्यादा बड़ा ये बन गया है ना, जो भी बना है, इसको और बड़ा कर देंगे ऐसे और बड़ा हो जाएगा, इसको ऐसे और कवर कर देंगे तो बहुत छोटा सॉलिड एंगल बनेगा, बनेगा ना, तो ये है हमारा सॉलिड एंगल, जो सॉलिड में कोन बन रहा है, सॉलिड कोन बन रहा है, इसको बोलते हैं सॉलिड एंगल, ठीक है, कुछ इस तरह का, है ना, ये यहां पर जो एंगल बन रहा है ये सॉलिड एंगल, हम इसको बोलते हैं ओमेगा, ओमेगा से नोट करते हैं, और इसका वैल्यू हो जाता है, ये मान लेते हैं इसका एरिया है ए, और इसका रेडियस बन रहा है आर, तो जो ओमेगा लिखते हैं ये होता है एरिया अपॉन आर स्क्वायर, एरिया अपॉन आर स्क्वायर स्टे रेडियन, एरिया अपॉन आर स्क्वायर स्टे रेडियन ओमेगा, ठीक है। अच्छा अगर हम बोल लें कि फॉर एनी स्फेयर, एक स्फेयर के सेंटर पर कितना सॉलिड एंगल बनेगा, तो बता दो एरिया कितना था सॉलिड स्फेयर का, 4 पाई आर स्क्वायर होता है क्या, तो ओमेगा का वैल्यू क्या हो जाएगा, 4 पाई आर स्क्वायर अपॉन आर स्क्वायर, तो कट जाएगा क्या, बचेगा 4 पाई स्टे रेडियन, तो क्या बोलेंगे कि सॉलिड स्फेयर के सेंटर पर 4 पाई सॉलिड एंगल बने, देखो सॉलिड एंगल, हाथ देखो मेरा ऐसे सॉलिड एंगल ऐसे, ठीक है ना, ऐसे, ये नहीं ऐसे वाला, ये तो 360 डिग्री बनता है, इसको 2 पाई बोलते हैं, ऐसे 4 पाई स्टे रेडियन बनता है, ठीक है, स्टे रेडियन में 4 पाई सॉलिड एंगल बनता है स्फेयर में। और उसी तरह से अगर हम बोल दें कि हेमी स्फेयर में कितना बनेगा, है ना, तो कितना होता है, 2 पाई आर स्क्वायर होता है, तो 2 पाई आर स्क्वायर बाई आर स्क्वायर करोगे तो 2 पाई आ जाएगा। तो अगर हम बोल दें कि फॉर हेमी स्फेयर ओमेगा का वैल्यू क्या जाएगा, 2 पाई, इज इट ओके। अगर हम कह दें ये हमारा स्फेयर है, उसके सेंटर पर कितना एंगल बन रहा है,
फोर पाई स्टे रेडियन। और उसी तरह से कहा, देखिए अगर हमारे पास एक हेमिस्फेयर है तो हेमिस्फेयर के सेंटर पर ये वाला ये ऐसे करके देखो, है ना, ऐसे करके अजीब सा 3D में इमेजिन करना, वो जो एंगल बन रहा है वो हमारा 2 पाई बन रहा है। कितना बन रहा है? 2 पाई स्टे रेडियन बन रहा है। ये सारी कहानी थी ऐसा यूनिट के बारे में, उम्मीद करते हैं सबको समझ में आ रहा होगा। अब इसके आगे बात करेंगे डायमेंशंस के ऊपर। कॉपी कर लो। तो अगला टॉपिक है हमारा डायमेंशन। क्या है? डायमेंशन। अब ये क्या होता है? तो कोई भी फिजिकल क्वांटिटी है उसका एक यूनिट होता है, ठीक है। तो हमको डायमेंशन में यूनिट से कोई लेना देना नहीं है आइडियली, ठीक है। तो ये डायमेंशन का बेसिकली डेफिनेशन जो स्क्रीन पर आ रहा होगा उसके हिसाब से क्या आ रहा है कि जो डायमेंशन है ये एक पावर है, बस नंबर पावर, पावर ना, जैसे कि बोले एक्स का स्क्वायर, ये जो 2 है ये पावर डायमेंशन है बस, और कुछ नहीं है। ये पावर क्या चीज का पावर है? तो ये उस फिजिकल क्वांटिटी में फंडामेंटल फिजिकल क्वांटिटीज कितने हैं या उसके कितने पावर हैं वो है डायमेंशन। डायमेंशन क्या है? पावर ऑफ फंडामेंटल फिजिकल क्वांटिटी इन एनी फिजिकल क्वांटिटी। सिंपल है ये, क्या है? हम अगर मोटा मोटी समझना चाहते हो तो बस यही समझो, पावर ऑफ फंडामेंटल, है ना, फंडामेंटल फिजिकल क्वांटिटी इन एनी फिजिकल, है ना, इन एनी डेराइव्ड फिजिकल क्वांटिटी। अभी डेराइव्ड के बारे में बात करेंगे तो पहले यही समझ लो कि बस इतना ही पावर होगा, ये नंबर हम इसको कह देंगे कि डायमेंशन है, ठीक है। तो चलो रहने दो अभी इस पर, अभी थोड़ा सा हम आगे स्टडी करते हैं कुछ कुछ चीजों को। तो पहले तो हम लोग देख चुके हैं कि हमारे पास लेंथ था, मास था, फिर टाइम था, ठीक है, और फिर करंट के ऊपर बात कर रहे थे, टेम्परेचर के ऊपर बात कर रहे थे, है ना अभी, और फिर ल्यूमिनस इंटेंसिटी के ऊपर बात किए थे, और फिर अमाउंट ऑफ सब्सटेंस के ऊपर बात किए थे। अगर हम देखें इन सब के यूनिट को तो इसका यूनिट क्या बताया था? लेंथ का मीटर, है ना, और इसका किलोग्राम, इसका सेकेंड बताया था ना, करंट का एम्पियर, टेम्परेचर का केल्विन, और ये हो गया हमारा कैंडेला, और ये हो गया हमारा मोल। इज इट ओके? अगर हम इन सब का डायमेंशन में हम बताएं कि ये सारे फंडामेंटल फिजिकल क्वांटिटी है, तो इनको डायमेंशन जब लिखते हैं तो उसके लिए हम इसके लिए कुछ सिंबल का यूज करते हैं। तो इसका सिंबल जो लिखते हैं इसके लिए डायमेंशन का सिंबल, सिंबल, है ना, कह सकते हैं सिंबल फॉर डायमेंशन, है ना, सिंबल फॉर डायमेंशन। तो लेंथ के लिए हम लोग सिंबल यूज करते हैं एल का, और ऐसे ब्रैकेट करके बंद कर देते हैं, ठीक है, और इसी के ऊपर पावर वगैरह दिखाते हैं जो पावर हमारा डायमेंशन है, ठीक है ना। यहां पर मास के लिए हम लिखेंगे एम, ब्रैकेट बंद करके इसके ऊपर कुछ पावर वगैरह दे देंगे जो भी किसी के ऊपर बात करेंगे अभी करेंगे। टाइम के लिए हम लोग टी के ऊपर जो है इसके लिए बात करेंगे। एम्पियर के लिए हम लोग ए का भी यूज करते हैं, कभी कभी आई का भी यूज कर लेते हैं, इस तरह के। और जो टेम्परेचर है इसके लिए हम लोग के का यूज करेंगे, कैंडेला के लिए सीडी का यूज करेंगे, और इसके लिए हम लोग एम ओ एल का ही यूज करते हैं, इस तरह के। ये कॉपी कर लो, अब समझ में आ गया कि सबका मतलब क्या था जब डेराइव फिजिकल क्वांटिटी बताएंगे ना, जल्दी से कॉपी करो, बहुत अच्छी अच्छी बात है। तो अगला हम लोग देख रहे हैं डेराइव्ड फिजिकल क्वांटिटी। तो बस सिंपल सी बात है कि डेराइव्ड फिजिकल क्वांटिटी यही है कि जो कि डिपेंड करता है फंडामेंटल फिजिकल क्वांटिटी पर। डेराइव्ड फिजिकल क्वांटिटी डिपेंड करता है फंडामेंटल फिजिकल क्वांटिटी पर। तो इसके यूनिट्स भी फंडामेंटल फिजिकल क्वांटिटी पर डिपेंड करेंगे, इसके डायमेंशन उसी पर डिपेंड करेंगे जितना की पावर होगा। अब देखो, है ना, सबसे पहले हम लोग
ये लिख सकते हैं डिपेंड्स ऑन फंडामेंटल फिजिकल क्वांटिटी। सर स्क्रीन पर आ रहा है डेफिनेशन, उसको लिख लेना है अच्छे से, ठीक है ना। तब आगे देखो यहां पर तो डिराइव फिजिकल क्वांटिटी क्या है, फंडामेंटल फिजिकल क्वांटिटी पर डिपेंड करता है। तो चलो फॉर एग्जांपल के तौर पर बात करते हैं, सबसे पहला नंबर एकदम बहुत बेसिक सा ऊपर की बात करते हैं स्पीड। सबको जानते हो स्पीड के फॉर्मूले क्या होते हैं, क्या होता है डिस्टेंस अपॉन टाइम होता है ना। एकदम आज बेसिक बेसिक सा चीज बात करेंगे, ज्यादा बात एकदम नहीं करेंगे भारी भारी चीज, एकदम सिंपल सिंपल। डिस्टेंस अपॉन टाइम, डिस्टेंस किसे नापते हैं बताओ, इसका यूनिट ये फॉर्मूला हो गया। अगर हम इसके यूनिट के ऊपर बात करेंगे तो भाई डिस्टेंस किसे नापते हैं, मीटर में, टाइम को सेकंड में, तो क्या मीटर पर सेकंड, मीटर पर सेकंड होंगे यूनिट, कितना आसान हो गया। तो देखो ये स्पीड इस बात पर डिपेंड कर रहा है कि उसके पास डिस्टेंस नापने के लिए लेंथ है और टाइम नापने के लिए सेकंड है या मीटर है, ये हो गया। और अगर हम इसके डायमेंशन के ऊपर बात करेंगे तो हम ये कहेंगे भाई डिस्टेंस किस में मेजर किया जाएगा, डिस्टेंस किस बात का, किस फंडामेंटल क्वांटिटी पर डिपेंड करता है, तो लेंथ है ना, है ना, डिस्टेंस को लेंथ ही तो कह सकते हैं। तो ये हो गया एल, और टाइम का तो टी ही होता है। तो देखो तो हम इसको ऐसे लिख सकते हैं क्या, एल ठीक है, टी का पावर वन है नीचे में, अगर ये नीचे का पावर ऊपर जाता तो टी पर पावर माइनस वन चढ़ता है ना, मतलब किसी चीज के वन अपॉन एक्स अगर लिखा है तो हम क्या लिख सकते हैं, सो माइनस वन लिख सकते हैं ऐसे। सिमिलरली टी ऊपर जाएगा तो टी पर पावर माइनस वन आ जाएगा। ये हो गया हमारा डायमेंशन फॉर स्पीड। इसका मतलब क्या हो गया, इसका मतलब ये हो गया कि इस पे मास का कोई डायमेंशन नहीं है, मास इसके पास, लेंथ का एक डायमेंशन है और टाइम पर माइनस में वन डायमेंशन है। मतलब कि मास का जीरो पावर है, लेंथ का एक पावर है, टाइम का माइनस में वन पावर है, और यही जो नंबर हम ऊपर लिखे हैं वही इसका डायमेंशन है। समझ में आ गया, एकदम सिंपल लग गया है ना। चलो अगले के ऊपर बात कर सकते हैं, स्पीड हो गया ना, इसमें बात करते हैं एक्सेलरेशन का। एक्सेलरेशन क्या होता है, ये होता है हमारा चेंज इन वेलोसिटी। एक्सेलरेशन क्या होता है, चेंज इन वेलोसिटी अपॉन टाइम। तो चेंज इन वेलोसिटी हो जाता है ना, पढ़े थे ना एक्सेलरेशन इक्वल टू रेट ऑफ चेंज इन वेलोसिटी, ये नाइन्थ में हम लोग पढ़ते थे। तो ये फॉर्मूले पता है नहीं पता है तो ज्यादा टेंशन नहीं लेना है, लेकिन बस देखो है ना, नोट करना है, बहुत इंपॉर्टेंट सा बात इतना ही करना है, और कुछ है नहीं, भारी भारी चीजें होनी नहीं चाहिए दिमाग में, बोझ तो बिल्कुल नहीं रखना है, फिजिक्स पढ़ते वक्त एकदम नहीं रखना है, ठीक है। मजे हैं जी पूरा का पूरा इलेवंथ और ट्वेल्थ में, टेंशन ही नहीं है। तो चेंज इन वेलोसिटी कितना हो जाएगा, तो वेलोसिटी क्या है, वेलोसिटी का यूनिट क्या होता है, मीटर पर सेकंड होता है ना। अगर हम इसके ऊपर बात करेंगे तो क्या लिखेंगे, मीटर पर सेकंड हो जाएगा वेलोसिटी के लिए, और नीचे में भी टाइम है एक और सेकंड आ जाएगा, तो क्या हो गया मीटर पर सेकंड एक और सेकंड, तो हो गया मीटर पर सेकंड स्क्वायर, नहीं हो गया। और इससे अगर डायमेंशन के ऊपर बात करें तो वेलोसिटी के लिए, अच्छा यहां पर से देख लेते हैं, मीटर के लिए लेंथ आ जाएगा क्योंकि लेंथ से ही मतलब लेंथ का ही यूनिट होता है मीटर, तो हम यहां से भी स्टडी कर सकते हैं ना, ये हो गया लेंथ, और टाइम का स्क्वायर है तो हम टी का स्क्वायर लिखेंगे, है ना, ये डायमेंशन में, और इसको ब्रैकेट बंद करके ही लिखेंगे ऐसे। तो हो गया बेसिकली एल, ये देखो नहीं समझ में आया फिर से देखो, मीटर किस चीज का यूनिट होता है, लेंथ के लिए ना, फंडामेंटल, हमको बेसिकली फंडामेंटल फिजिकल क्वांटिटी यहां लिखना है, तो फंडामेंटल फिजिकल क्वांटिटी क्या आ जाएगा, लेंथ, और टाइम के लिए हो जाएगा टी, तो टी का स्क्वायर हो गया, तो ऊपर जाएगा तो टी का स्क्वायर क्या, टी माइनस में टू, एल टी माइनस टू, कितना हो गया एल टी माइनस में टू। इसको और बेटर तरीके से कहते हैं कि बोलेंगे मास नहीं है, लेंथ है, टी का पावर माइनस में टू है, यानी कि मास का कोई पावर नहीं है, लेंथ का वन पावर है, टाइम का दो में माइनस में निगेटिव टू पावर है, इसका डायमेंशन यही सब है। इज इट ओके, समझ में आ गया। इसको और बेटर तरीके से लिखना चाहते हो तो डायमेंशन ऑफ मास इक्वल टू जीरो, डायमेंशन ऑफ लेंथ इक्वल टू वन, एंड डायमेंशन ऑफ टी इज इक्वल टू माइनस टू। दिस इज द कंप्लीट डेफिनेशन फॉर या कंप्लीट डायमेंशन फॉर एक्सेलरेशन। इज इट ओके, सिंपल हो गया ना। चलो ठीक है, इसको इरेज करते हैं। थर्ड के ऊपर बात करते हैं, थर्ड है हमारा मोमेंटम। क्या है मोमेंटम, पढ़े ना मोमेंटम, मास इंटू वेलोसिटी, याद है, अच्छा नहीं याद है,
अच्छा याद कर लो ना, अभी कौन सा बड़ा इशू है? अभी तो पता है, अब याद हो गया, मास इनटू वेलोसिटी है ना, बोलते थे p इक्वल टू m इनटू v होता था फॉर्मूला, पढ़ते हैं नाइन्थ में। अब इसका ऐसा यूनिट क्या बनेगा अगर हम इसके यूनिट के ऊपर बात करेंगे तो? ठीक है, तो यूनिट क्या बनेगा इसका? मास के लिए हम लोग क्या नापते हैं? केजी। और वेलोसिटी अभी तुरंत याद है, मीटर पर सेकेंड, यानी यूनिट हो गया केजी मीटर पर सेकेंड। अब देख लो मोमेंटम में तीन तीन फंडामेंटल फिजिकल क्वांटिटी है, यानी कि मोमेंटम हमारा डिराइव्ड फिजिकल क्वांटिटी है, एकदम आसान हो गया ना, बात समझ में आया ना? चलो ठीक है, अब डायमेंशन के ऊपर बात करते हैं। तो अब हम डायमेंशन लिखने का छोटा सा बात बता रहे हैं, हम अगर यूनिट लिख पा रहे हैं उसको डायमेंशन लिखना आसान है। देखो केजी किसके लिए आता है? मास के लिए आता है, तो हम लिखेंगे एम। मीटर किसके लिए? लेंथ के लिए, तो एल। टाइम किसके लिए? टी के लिए, है ना, सेकेंड किसके लिए? टी के लिए। तीन बन जाएगा, तो लिखेंगे एम एल, टी ऊपर चला जाएगा, टी पर माइनस वन आ जाएगा, टी पर पावर वन है, बेर से देखो ध्यान से, टी पर पावर वन है, ये ऊपर जाएगा तो टी पर पावर माइनस वन आ जाएगा ना, इतना आ गया। तो ये हो गया हमारा डायमेंशन फॉर मोमेंटम, है ना, तो इसको बेटर लिख सकते हो। अच्छा यहां पर देखो तो ऐसे लिख सकते क्या, एम का पावर वन, एल का पावर वन और टी का पावर माइनस वन, ये हो गया इसका डायमेंशन। यानी कि यहां पर अभी देखो इन सब में मास नहीं था, इसलिए मास का डायमेंशन भी जीरो था, यहां पर मास है इसलिए मास का डायमेंशन वन आ रहा है। ठीक है, कोई दिक्कत नहीं है ना। चलो इसी तरह से हम लोग नेक्स्ट लेक्चर में आगे बहुत सारे डायमेंशन के ऊपर बात करेंगे। उम्मीद करते हैं सबों को आज का लेक्चर मजा आया होगा, समझ में आया होगा। जिनको नहीं समझ में आया वो बस एक ही काम करो कि पीछे थोड़ा फॉरवर्ड कर लो और फिर से देख लो, है ना। तब तक के लिए बाय बाय, नेक्स्ट वीडियो में मिलते हैं।